हम सभी को संबोधित करें माननीय जेपी नड्डा जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, राज्यसभा में हमारे नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्माननीय थावरचंद गहलोत जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो आज इस संबोधन में इस जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। हम सब लोग जो एक विचार यात्रा में निकले हैं, उसकी प्रेरणा, उसकी शुरुआत हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से हुई है। उन्होंने हम लोगों को और पार्टी को एक विचार दिया और उस विचार यात्रा पर हम सब लोग निकल गए और इसी विचार यात्रा को पूरा करने का काम हम सब लोगों ने पकड़ा है। आज उनके जन्म जयंती पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक आत्म मानववाद के माध्यम से देश को एक वैकल्पिक विचार व्यवस्था दी थी, एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी जो भारत की मिट्टी से रची बसी रही और भारत की मिट्टी से संस्कार से जुड़ते हुए विचार किस प्रकार से राजनीतिक दल को रखना चाहिए उसका प्रतिष्ठापन उन्होंने किया था। और उस एकात्म मानववाद से निकला अंत्योदय और उस अंत्योदय से निकला जो हमारे विचार यात्रा को नीतियों में परिवर्तित करने वाला था, वो था गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयोजन था उसको करने की बात आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है और गौरव का विषय है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी इस विचारधारा को लेटर और स्पिरिट में जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया और उसको एक रूप दिया, इस बात का हम सबको गौरव होता है। गौरव इस बात का होता है कि उनकी हर नीति, हर कार्यक्रम गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, मजदूर, इनको समर्पित रहा है। और ये सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की तस्वीर बदलने में 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर महिलाओं को इज्जत देना, परिवारों को इज्जत देना और देश की दुनिया में तस्वीर बदलना, यह काम आपके द्वारा हुआ है, हम जानते हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ लोगों के जो बगैर घर के थे उनके पक्के मकान देने की भी व्यवस्था आपने की है। और साथ ही साथ आपने संकल्प लिया कि हम 2022-23 तक इस बात को करेंगे कि कोई भी व्यक्ति पक्के छत के बगैर ना रहे, इस व्यवस्था को पूरा करेंगे। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को आपने साकार करने में पूरी ताकत सरकार की ओर से लगाई है। उसी तरीके से मुद्रा योजना के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को लोन देने की व्यवस्था और उन लोगों को जो गरीब तबके के हैं, जिनको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आवश्यकता है, उनको आपने मदद करने का प्रयास किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देना,
यह अपने आप में देश की तस्वीर बदलता है। और मैं तो यह कहूंगा कि सिर्फ यह चूल्हा देना ही नहीं था, यह बहनों की स्वास्थ्य की दूरगामी चिंता करने के बराबर रहा और इसने भी देश की तस्वीर को बदलने में और महिलाओं को एक तरीके से आपने आजाद किया, सशक्तिकरण किया, यह हम सब लोग जानते हैं। 2,60,00,000 लोगों को आपने सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाई। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि घर में बिजली आने का मतलब क्या होता था। 18,000 गांव बिजली से बगैर थे और ये आजाद भारत की तस्वीर थी। लेकिन आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद संकल्प लिया और आज 100% बिजली युक्त आपने किया है, ये हम सबको पता है। मुझे खुशी होती है कि आपके नेतृत्व में आयुष्मान भारत बना, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज। लगभग 50 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा गया और लगभग 1,30,00,000 लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। लगभग 1,600 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं और ये वो लोग हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, रैग पिकर, जिस जो कूड़े से जो सामान इकट्ठा करता है, ऐसे लोग, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, इनको आपने 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवरेज देकर के उनको मुख्य धारा में शामिल किया और 1,30,00,000 के आसपास 2 सालों में लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हेल्थ सॉयल कार्ड और फिर प्रधानमंतरी किसान सम्मान योजना, इसके तहत आपने 10 करोड़ किसानों को जोड़ा, उनको मुख्य धारा में शामिल किया है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अभी जो किसान का बिल आया है जिसने किसान को आजादी दे दी कि वह अपने उत्पाद का उचित दाम ले सके और बाजार में उसको जहां अच्छा दाम मिलता है वहां वो जा सके, इसकी आपने आजादी दी, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि आज के दिन आपका जो हम सबको प्रबोधन होगा, जो मार्गदर्शन होगा, आपके बराबर उपयुक्त नेतृत्व देने वाले से हमको प्रेरणा मिलेगी। आपने लेटर और स्पिरिट में अंत्योदय को उतारा है, धरती पर उतारा है, भारत की जनता को आपने नीति और कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि आपके द्वारा प्रबोधन उपयुक्त भी है और हम निश्चित रूप से आपके प्रबोधन से, आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। भारत के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे और आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जब भी निवेदन किया, कभी छोटा या बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, आपने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हम सबको मार्गदर्शन दिया है और पार्टी को आपने दिशा दी है, दृष्टि दी है। मैं पुनः सभी करोड़ों कार्यकर्ता जो आपको आज सुन रहे हैं उनकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप